हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा नाम फैजलुल और आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, दोस्तों, बिना डीएमएक्स के हम पार लाइट को एक साथ कैसे जलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिना डीएमएक्स से हम जो है पार लाइट को जलाएंगे, वो भी एक कलर में एक साथ। दोस्तों, मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर लोग थे जो कि कमेंट कर रहे थे बार बार कि भाई आप एक ऐसा वीडियो हम लोग को दीजिए कि जिसमें हम अपने पार को जो है बिना डीएमएक्स के एक साथ एक कलर में जला सकें। तो दोस्तों, सबसे आसान जो है पार लाइट जलाने का जो है तरीका आज हम बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ जो है हमने जो है पार लाइट को जो है यहाँ पर लगा दिए हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसमें क्या सेटिंग करना है और क्या लगाना है, चलिए आप लोग को लगा के दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, देख सकते जो है ये जो है ये जैक जो है दोस्तों आपको खरीदना पड़ेगा, दुकान में मिल जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं ये दोस्तों, इसको लगाना है अपने पार लाइट में। दोस्तों, ये है इनपुट लगाने का और ये है आउटपुट। तो चलिए दोस्तों, इसको कैसे लगाएंगे चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। सो दोस्तों, हमने जो है यहाँ हमें ये जैक को लगाना है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, यहाँ देख सकते हैं इनपुट लिखा हुआ है, यहाँ पे इनपुट और इधर आउटपुट। तो दोस्तों, यहाँ इनपुट में जो है हम ये लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको फटाक से हम लगा के आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने जो है जैक सब में लगा दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कैसे लगाया चलिए आप लोग को एक बार समझा देते हैं। इधर जो है दोस्तों, यहाँ हमने जो है फर्स्ट में लगाए, देख सकते हैं यहाँ हमने जो है फर्स्ट में लगाए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से जो है हम यहाँ आउटपुट किए, इसको हम मेन बनाए दोस्तों। इसके यहाँ से हम जो है आउटपुट किए, इसमें इनपुट में लगाए, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आउटपुट किए, इसमें इनपुट में लगाए। फिर से दोस्तों, इसी पार से जो है आउटपुट यहाँ से किए और यहाँ इनपुट में लगाए, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ इनपुट में लगाए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से जो है हम फिर से आउटपुट किए और यहाँ से जो है इनपुट में लगाए। एक बार चलिए और एक बार समझा देते हैं दोस्तों। यहाँ से जो है हमने जो है आउटपुट किए, यहाँ इनपुट में लगाए, फिर यहाँ से जो है हम आउटपुट किए और इसमें इनपुट में लगाए। उसके बाद दोस्तों, फिर से यहाँ से दिखा देते हैं और यहाँ से आउटपुट किए और यहाँ इनपुट में लगाए। चलिए दोस्तों, इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा दोस्तों, चलिए अब इसमें जो है हम पावर सप्लाई देके दिखाते हैं आपको क्या सेटिंग करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए। और दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस पर जो है हम पावर सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमने जो है सारे पार लाइट में जो है पावर सप्लाई दे दिया है दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों, हमने जो है सारे पार लाइट में जो है पावर सप्लाई दे दी है। इसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना होगा, सेटिंग करना होगा दोस्तों इसमें, वो सेटिंग चलिए आप लोग को दिखा देते हैं। सो दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं एक अप का बटन है, एक डाउन का बटन है, और मतलब चार बटन यहाँ है दोस्तों। तो आप अप और डाउन का बटन दबाइएगा, आप चाहे अप का बटन दबाइए या फिर डाउन का, मतलब एक बटन आपको दबाना है। तो दोस्तों, चलिए हम एक बटन को दबाते हैं, चलिए हम डाउन बटन को दबाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ जो है दोस्तों SLAE दोस्तों, इसको आप 5 पढ़ें या फिर S पढ़ें, SLAE दोस्तों, ये वाला आप लोग को जो है कर लेना है दोस्तों। यहाँ जो है स्क्रीन में हम जो है आप लोग को दिखा दें कि इस तरह जो है आपको कर लेना है दोस्तों। ये जो है SLA सारे पार लाइट में आपको कर लेना है। चलिए दोस्तों, हम फटाक से अपने सारे पार लाइट में कर लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमने जो है सारे पार लाइट में SLAE कर दिए दोस्तों। आपको भी है, आप भी अपने पार लाइट में इस तरह का सेटिंग कर लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को जो है XLR जैक लगा लेना है, ये जो जैक है ये जैक लगा लेना है। उसके बाद पावर सप्लाई दे देना है, इसमें करंट दे देना है। उसके बाद दोस्तों, क्या करना है, SLAE कर देना है। इतना कर देने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, आप कोई सा भी एक पार लाइट को आप बटन अप बटन या डाउन बटन, कोई भी बटन आप दबा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमने जो है इस पार लाइट को, सबसे फर्स्ट पार लाइट को जो है हम
इसको मेन बनाते हैं। तो दोस्तों इसको जो है चेंज करेंगे तो सारा पार लाइट जो है एक साथ चेंज होगा। तो चलिए दोस्तों एक बार दिखा देते हैं, देख सकते हैं दोस्तों सारा पार लाइट जो है एक साथ कलर जो है चेंज हो रहा है। देख सकते दोस्तों सारे पार लाइट जो है एक साथ कलर चेंज कर रहा है। दोस्तों आप भी इस तरह का अपने पार लाइट को जो है जला सकते हैं बिना डीएमएक्स लगाए। तो चलिए दोस्तों और कलर चेंज करके दिखा देते हैं। जिसको मेन बनाए दोस्तों उसी को आपको छेड़छाड़ करना है और बाकी सबको SLAE पर रहने देना है। तो चलिए दोस्तों और कलर चेंज करके देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों सारा पार लाइट जो है मेरा रेड जलने लगा है। देख सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह का भी आप अपने पार लाइट को जो है एक साथ जलाइए और अपने डीजे सेटअप में लगाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो है आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप DMX के साथ सेटिंग इस तरह का पार लाइट जो है सेटिंग लाइट जलाना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो एक स्पेशल वीडियो आएगा दोस्तों। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि आप इस तरह का सेटिंग कर पाए हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पाए हैं दोस्तों तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए आप और इस तरह का सेटिंग करके अपने डीजे सेटअप में लगाइए। क्योंकि दोस्तों इस तरह का सेटिंग आप अपने डीजे सेटअप में लगाएंगे दोस्तों तो आपका डीजे सेटअप का भी रौनक जो है अच्छा दिखने में लगेगा दोस्तों। क्योंकि डीजे जो है शो में आता है दोस्तों पार लाइट की वजह से। अगर आपका पार लाइट जो है सही से नहीं जल रहा है दोस्तों तो आपको भी मज़ा नहीं लगेगा और आपका पार लाइट जो एक साथ एक कलर में और एक रनिंग में चलेगा दोस्तों तो आपको भी अच्छा लगेगा और पार्टी को भी अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।